पानी की आपूर्ति के लिए हमारी सरकार की दमन दीप के लिए जो भी योजना है वो कब तक पूरी होगी? तो 100% काम पूरे करने वाले में ये दीव दमन उठी आती है। यहाँ पानी का कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंप्लेंट हमारे पास नहीं है। हमारे प्रदेश के लोगों को पीने के पानी की बहुत सारी समस्या है। किसानों को मिलने वाला पानी कैनल और तालाब का पानी जो है वो दारू बनाने वाले ले रहे हैं। किसान एवं फैक्ट्री वाले बहुत परेशान हैं और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इससे रिलेटेड ही मेरा सवाल है, मैं जल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार दमन और दीव और दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करने का विचार कर रही है? यदि हाँ तो इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है और विगत 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संस्कृत धनराशि का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का दमन में जल आपूर्ति के लिए काले नदी पर बांध बनाने का विचार है? यदि हाँ तो बांध का निर्माण कब तक हो जाएगा? माननीय सदी नहीं उसका एक मिनट, आप पहले क्वेश्चन नंबर बोलना है, सॉरी सॉरी, उसके बाद फिर मंत्री जी सॉरी बोलेंगे, उसके बाद फिर आपका सवाल तो हो ही गया, फिर भी आप सप्लीमेंट्री बाद में पूछ लेना माननीय मंत्री जी। आदरणीय महोदय, कौर का प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। अन्य सदस्य सर, नया हो तो थोड़ा मिस्टेक होगा, ठीक है कोई बात। पानी की आपूर्ति के लिए हमारी सरकार की दमन दीव को लेकर कोई योजना है? अगर है तो वो कब तक पूरी होगी? पानी की आपूर्ति के लिए हमारी सरकार की दमन दीव के लिए जो भी योजना है वो कब तक पूरी होगी? धन्यवाद। माननीय महोदय, सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न के बारे में बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि दीव दमन और सेलवास उनके जो LG है, उन्होंने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो यूटी का फंड भरा है, उनके लिए जो ज़्यादा पैसे का आवंटन किया है, उसी पैसे से उन्होंने 100% सभी के घरों में ये नल से जल देने का प्रबंधन हो गया है। उन्होंने हमारे मंत्रालय से पैसा मांगा नहीं, हमने देने की ऑफर की तो भी उन्होंने नकार दिया। उन्होंने अपने ही पैसे से जो मंत्रालय के जो नियम है उसी के मुताबिक बहुत अच्छी व्यवस्था करते हुए 100% वहाँ पर काम किया है और वो सभी सरपंचों की ओर से भी उसको सर्टिफाइड किया गया है। तो 100% काम पूरे करने वाले में ये दीव दमन उठी आती है। यहाँ पानी का कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंप्लेंट हमारे पास नहीं। सप्लीमेंट्री सर, मेरा मंत्री जी से कहना है कि इसके लिए एक जांच समिति बिठाया जाए और हमारे प्रदेश में 90% विस्तारों में अभी भी पानी नहीं पहुंचता है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ अवार्ड ले रहा है और पानी की आपूर्ति वहां पर पहुंची नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की आपूर्ति के लिए एक जांच समिति बिठाई जाए और हमारे प्रदेश की स्थिति का आकलन किया जाए। माननीय महोदय, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर 100% काम हुआ, मंत्रालय से कोई प्रकार का पैसा लिया नहीं गया, कोई मदद ली नहीं गई और वहाँ के जितने सरपंच हैं वो सभी सरपंचों ने अपने गांव में सभी घरों में पानी मिल रहा है ऐसा सर्टिफाइड किया हुआ है। एक पहला एक यूटी है कि जहाँ पर 100% काम सर्टिफाइड भी हुआ है। हमारे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं है और कंप्लेंट नहीं होने के कारण उसको जांच समिति बिठाने का भी प्रश्न नहीं आता है।